तो सीबीआई का कोलमाल विद अ क्वेश्चन मार्क, क्या ये सीबीआई का कोलमाल है? क्योंकि सीबीआई कह रही है कि ऐसी कोई चिट्ठी नहीं मिली, जिस चिट्ठी का हवाला दिया अखबार ने और कहा कि डायरेक्टर को लेकर डायरेक्टर को वो चिट्ठी भेजकर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा है कि कोल घोटाले में कुछ बड़ी कंपनियों को दबाने के लिए कुछ बड़े अधिकारियों ने रिश्वत ली, उस चिट्ठी में आरोप लगाया गया और सीबीआई कह रही है ऐसी कोई चिट्ठी नहीं। मेरे साथ कांग्रेस सपोर्टर तहसीन पूनावाला भी है, उनसे हम बात करेंगे फुल लाइन पर। लेकिन नरेंद्र तनेजा, आपसे एक सवाल पूछा था एमएल शर्मा ने, उसका जवाब दे दीजिए आप। जी देखिए, मैं उसका आपको जवाब दे रहा हूं। ऐसी ये अगर संकेत दिया जा रहा है कि भाई हम किसी का साथ दे रहे हैं जिन्होंने गलत काम किया, ये तो ये आरोप इस तरह का बेबुनियाद बातें हैं। देखिए, हमने जो जनता को प्रॉमिस किया, हमने क्या करा उसके रिजल्ट, आप एक मिनट मुझे थोड़ा सुनिएगा। हमने कोल सेक्टर को पूरी तरह रिफॉर्म करा, कोल सेक्टर में जिन जिन लोग जहां जहां गलत काम हुए थे उसको ठीक किया। आज कोल सेक्टर जो है भारत की जो सबसे बड़ी संपदा के रूप में आया है, पूरा देश उसको मान्यता दे रहा है, पूरी दुनिया मान्यता दे रही है। गलत सुनिए, और जो कोल सेक्टर में जो हमने काम किया, आज हर पावर प्लांट के पास 26 से 28 दिन का जो कोल नहीं, सर आपने कोल सेक्टर पूरा रिफॉर्म कर दिया, आपने राम राज ला दिया कोल सेक्टर में, लेकिन इंसाफ तो तब पूरा होगा ना सर जब दोषियों को सजा मिल जाएगी। और तो अच्छा, और दूसरा नहीं मान लिया आपने, सब बहुत कुछ कर दिया, कुछ करना रही नहीं क्या? हालांकि उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सीबीआई मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आपने कोल ग्राउंड में क्या किया है, आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए खाली। कोल सेक्टर में आपने क्या किया उस पर तो बात हो ही नहीं रही। सीबीआई आप सुनिए, सीबीआई को जो काम सरकार ने सौंपा है वो काम ईमानदारी से और मेहनत से और पूरे तरीके से हो, जिम्मेदारी से सर उसी जिम्मेदारी पर सवाल उठ गए हैं, बात नहीं कर रहे सर, उसी जिम्मेदारी पर सवाल उठ गए हैं सर, यहाँ सीबीआई की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ आपकी बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल क्या आपका अटॉर्नी जनरल 11 तारीख को बोलेगा कोर्ट को, आप गारंटी देते हैं क्या वो कोर्ट में कहेगा कि इन कंप्लेंट के ऊपर हम एक्शन ले रहे हैं? प्लीज मेक डिसेंसिंग डिबेट, लेकिन हम बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं है सरकार कैसे काम करती है? मुझे तो पता है, अब लॉ डिसाइड करेगी, मुझे पता है सरकार की कोल ब्लॉक पे वोट तो मांग सकते हैं आप लोग, लेकिन उसी करप्शन के ऊपर जब कोई एक्शन आता है, आप सत्ता में आते हैं तो आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बैठ जाते हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है, इस तरह की भाषा नहीं सुनता मैं इस तरह की भाषा नहीं सुनूंगा। ये जैसी आप भाषा बोल रहे हैं, ये सड़क छाप डिबेट है, आप किसी और से करिए, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, मैं ये इस तरह की भाषा का आदि नहीं हूं। ठीक है, आप अपनी नहीं, एमएल शर्मा लेट हिम स्पीक, आप बोल चुके हैं, एंकर से बात मौका दे दीजिए, बात जवाब दे दीजिए, लेकिन सवाल तो है नरेंद्र, जल्दी से आप 30 सेकंड अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं जाऊंगा कांग्रेस सपोर्टर भाषा का प्रयोग करते हैं वो चैनल पर नहीं आने चाहिए। नहीं ठीक है, वो अपना पक्ष जो गलत भाषा का प्रयोग करते हैं वो चैनल पर नहीं आने चाहिए। क्या बात कहा आपने, भाषा ठीक प्रयोग करिए उनसे। अरे सर आपके साथ आपकी जगह एमएल शर्मा, लेट हिम स्पीक, चैनल पे नहीं आने चाहिए। नरेंद्र तनेजा मैं आऊंगा आपके पास एमएल शर्मा, लेकिन लेट्स मेक डिसेंसी इन दिस डिबेट, पास नहीं है एमएल शर्मा, एमएल शर्मा हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, लेट्स मेक डिसेंसी इन दिस डिबेट। तहसीन पूनावाला मैं आपके पास आऊंगा, तहसीन पूनावाला, सीबीआई ने टोटली डिनाई कर दिया है कि ऐसी कोई चिट्ठी मिली है, कोर्ट में कहा है कि ऐसी कोई चिट्ठी नहीं मिली डायरेक्टर को, जो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एक जांच अधिकारी ने सीबीआई डायरेक्टर को कहा था और चिट्ठी में कहा गया था कि कुछ अधिकारी कोल घोटाले को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका इस पर कमेंट? देखिए, एक तो सबसे पहली बात मैं कह दूं, जब भी तनेजा साहब डिबेट पे आते हैं डिबेट का स्थल गिर जाता है, क्योंकि दो चीज होती है, आप भी पर्सनल हो रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ तनेजा से गलत कर रहा है सर, जब कोई इनके फैक्ट को कलेक्ट करता है तब वो नाराज हो जाते हैं। फैक्ट ये है तनेजा साहब, जो भी चाहे फैक्ट ये है, फैक्ट है कि अगर एक न्यूज पेपर ने कहा कि चिट्ठी लिखी गई, जी जैसे एक रिस्पॉन्सिबल चैनल ने इस बात की डिबेट की, इस बात की क्या सरकार ने इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन किया है? आप सरकार ने इस बात को सीबीसी के पास क्यों नहीं भेजा? तनेजा जी आपके चैनल पे कहते हैं लॉ मिनिस्ट्री इस पर देखेगी, सरकार चलाने नहीं आती, सरकार कैसी चलती, एमएल शर्मा साहब जानते नहीं है, मैं जानता हूं सरकार कैसी चलती है, और आपका वादा था कि आप लॉ मिनिस्ट्री को सीबीआई से अलग करोगे, आप डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन सीबीआई का प्रोसिक्यूशन विंग को इंडिपेंडेंट करोगे, ये बात हुई थी लोकपाल के अंदर। इनमें से कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। लोकपाल आज के अपॉइंटमेंट में हम जानते हैं क्या करते हैं, करप्शन के खिलाफ इनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस जुमला देते हैं सबसे पहली बात। दूसरी बात जो तनेजा जी ने की, हमने कोल मिनिस्ट्री में रिफॉर्म्स के लिए बार बार सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करती उसके अंदरूनी कामकाज में।
एक मिनट गौरव साहब मैं बात कर लूं, वो 2 लाख करोड़ रुपए कहां पर आए हैं? आंकी आरटीआई जो मैंने फाइल की, आरटीआई बताती कोई 2 लाख करोड़ तहसीन, हमारे पास टाइम नहीं है, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं तहसीन, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, नहीं तहसीन आप दूसरी तरफ जा रहे हैं इसलिए मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। सीबीसी तहसीन आप दूसरी तरफ जा रहे हैं इसलिए मैं टोक रहा हूं आपको, ना आप अपनी बात कहिए, आपके सवाल के बारे में पूछ रहा हूं, टाइम कम है तहसीन इसलिए मैं आप से कह रहा हूं, मुद्दे की बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि सरकार सीबीआई के काम में इंटरफेयर नहीं करती, उस पर आपका जवाब चाहता हूं मैं, क्या वाकई ऐसा होता है या आपको लगता है? अगर सरकार सीबीआई के काम में इंटरफेयर नहीं करती, मैं तो दूसरा उदाहरण देता हूं जो बार बार आपके चैनल पे देता हूं, अमित शाह के केस में सीबीआई ने आरजीओ क्यों नहीं किया, जज के सामने क्यों बंद कर दिया आर्ग्यूमेंट? चलिए ये हुई ना बात, आप ये क्वेश्चन पूछिए नरेंद्र राजा, समय बिल्कुल खत्म हो चुका है, एक फाइनल कमेंट आपसे और एक वैलिड वैलिड कमेंट आपसे, नहीं आप लीजिए लेकिन आप ये एश्योरेंस दीजिए कि इस पूरे मामले में सच्चाई देश के सामने आएगी और अगर सीबीआई अधिकारी इसमें कल्पित है तो उनको सजा मिलेगी, अगर मैं लगा रहा हूं आप ये एश्योरेंस दीजिए। देखिए कोयले के मसले में, पूरे मसले में चाहे कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठा हो, किसी संस्था में हो, चाहे वो कहीं बैठा, अगर वो बीच में आड़े आ रहा है उसको माफ नहीं किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, एक अखबार की खबर को लेकर के इनका कहना है कि वो बाइबल होगा, इटली में कोर्ट ने जजमेंट दे दिया उस पे लेकर के आप सवाल आप दूसरे मुद्दे पर चले गए सर, उसमें बात करेंगे, इटली में जजमेंट लगातार उठा रहा जी को बता रहा हूं, नहीं वो मुद्दा भी जीबीएस उठा रहा है, आप भी उस मुद्दे पर आते हैं बात करते हैं, बात करेंगे मुद्दे पर, वही बता रहा हूं कि आप इस मुद्दे पर बताइए क्या करेंगे, आप इस मुद्दे पर बताइए, हाई कोर्ट की बात को नहीं मान रहे इस मुद्दे पे देखिए सीबीआई ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपना काम कर रही है, उसको जो मैंडेट है उसी पे वो काम, अगर वो काम वैसे नहीं होता सरकार उस पर नजर रखी हुई है, चलिए ऑटोनोमस बॉडी में कुछ भी हो सरकार का कोई इस पर इंटरफेरेंस बनता नहीं है, एंश्योर करेगी कि सच्चाई निकल के सामने आए, सच्चाई। चलिए वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आप सभी का तहसीन, बहुत शुक्रिया, आप देर से जुड़े इसलिए आपको ज्यादा वक्त दे नहीं पाए, और आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया, लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई ऑटोनोमस बॉडी में भी कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए चेक एंड बैलेंस है कि नहीं है, उस पर भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको सामने लाने के लिए और उस पर लगाम लगाने के लिए भी कुछ नियम कायदे हैं या नहीं है, सीबीसी क्या कर रहा है, और है तो सरकार उसको कर क्यों नहीं रही है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल हमारी इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन जी बिजनेस इस मामले को फॉलोअप करता रहेगा और देश में इस वक्त जो दूसरे मामले चल रहे हैं उन पर भी हम बड़ी डिबेट करते रहेंगे और बड़े पैनल के साथ उस पर हम चर्चा करते रहेंगे, फिलहाल इस खास शो में बस इतना, नमस्कार।